सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगरा आज कोर्ट में आए और इस याचिका पर केवल एक शब्द कहा, डिसमिस्ड यानी खारिज। जज मोगरा ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और फैसला सुरक्षित रखा था। अब राहुल हाईकोर्ट में अपील करेंगे। यह केस 2019 में बेंगलुरु में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है। राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सन्ने मोदी क्यों होता है। इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था। इसी साल 23 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाया था। अगले दिन उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल की याचिका मंजूर होने पर क्या होता? अगर जज मोगरा राहुल की याचिका मान लेते तो उनकी संसद सदस्यता बहाली का रास्ता खुल जाता। कांग्रेस का बयान, कानून के तहत जो भी विकल्प हमारे पास मौजूद है हम उनका इस्तेमाल करेंगे। इस पर आज शाम 4 बजे अभिषेक मनु सिंघवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भाजपा का बयान, गांधी परिवार का घमंड टूट गया। ओबीसी समुदाय खुश है क्योंकि राहुल गांधी ने समुदाय का अपमान किया है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।